दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब से अनुभव सिन्हा की आने वाली फिल्म भीड़ के ट्रेलर से प्रधानमंत्री मोदी की आवाज हटाकर नया ट्रेलर जारी किया गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा दौर है कि केवल पीएम की आवाज के इस्तेमाल को सेंसर कर दिया जा रहा है। दोस्तों, अनुभव सिन्हा जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन की त्रासदी पर फिल्म भीड़ बनाई, तो अंधभक्त उन्हें एंटी नेशनल तक कहने लगे हैं। उनकी फिल्म भीड़ के बॉयकॉट का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। अंधभक्तों को अनुभव सिन्हा का मुंहतोड़ जवाब आगे आपको सुनाऊं, उससे पहले जानिए कि मामला है क्या। दोस्तों, अनुभव सिन्हा की आने वाली फिल्म भीड़ बनी है कोरोना लॉकडाउन पर। कैसे गरीब मजदूरों को अचानक लॉकडाउन ने हजारों मील का सफर पैदल करने को मजबूर किया था, ये फिल्म उसकी त्रासदी दिखाती है। दोस्तों, इस फिल्म का जो पहले ट्रेलर रिलीज किया गया ना, वो पीएम मोदी की उस राष्ट्र के नाम संबोधन की आवाज से शुरू होता है जिसमें पीएम देश को बता रहे हैं कि अब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन अचानक इस ट्रेलर को यूट्यूब से डिलीट करवाकर नया ट्रेलर जारी किया गया जिसमें पीएम की आवाज को हटा दिया गया। ऐसा करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सच्चाई दिखाना क्या पाप है मोदी जी? कश्मीर फाइल्स का आपने खूब प्रचार किया, आपने इसको मुफ्त में भी दिखाया, अब इसको क्यों रोक रहे हैं? लोगों को देखने दीजिए। वहीं कॉमेडियन भगत राम ने ट्रेलर से मोदी जी की आवाज हटाने पर कहा, टी सीरीज ने यूट्यूब से भीड़ का ये ट्रेलर हटा दिया जिसके शुरू में हमारे शेर की दहाड़ गूंज रही है, और एक नया ट्रेलर डाल दिया हमारे शेर की आवाज हटाकर। सवाल ये कि उसने हमारे शेर की आवाज क्यों हटाई? क्या उसे सुनकर लोग डर जाते, 2-3 किलो गालियां देते, उन्हें घिनाती, या ये सब होता? दोस्तों, फिल्म बनी है लॉकडाउन पर जो लगा पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से, राइट? यानी पीएम मोदी की आवाज इस कहानी की जरूरी कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है, वहीं से कहानी शुरू होती है। उसे न केवल हटाया गया बल्कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए लोग अनुभव सिन्हा को एंटी नेशनल कह रहे हैं। खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर अनुभव सिन्हा ने कहा, अपने लिए एंटी नेशनल सुनना नया नहीं, मैं भारत के असली विचार से प्यार करता हूँ। जाहिर है अनुभव सिन्हा की ये फिल्म उस सच्चाई पर बनी है जो हमें कितनी भी बदसूरत लगे, हमें उसे स्वीकार करना होगा। कोरोना लॉकडाउन इस देश के गरीबों पर कहर बनकर टूटा, ये एक सच है जिसे हम सब ने अपनी आंखों से 2 साल पहले घटित होकर देखा है। हम चाहें तो इस सच से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन उससे सच बदल नहीं जाएगा। आप फिल्म भीड़ के बदले हुए ट्रेलर पर आ रहे ऐसे रिएक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।